नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल चैनल नंबर दस और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में और अपने सभी देखने वाले को हम बता दें कि डियर लर्नर्स हम ये सत्र लेकर आए हैं साइंस के तेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा टॉपिक है आर इन्वायरमेंट यानी कि अपने पर्यावरण के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं और बहुत ज़रूरी है अपने पर्यावरण के बारे में जानना तो क्या कुछ आप जान सकते हैं क्या कुछ आपको जानना चाहिए आपको बताएँगे हमारी विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चलिए उनसे परिचय लेते हैं आप मिस गरिमा शर्मा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू मैम मैम के बारे में हम आप सभी को बता दें बच्चों कि मैम टीजीटी जी नेचुरल साइंस है गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय सेक्टर सोलह रोहिणी दिल्ली से और आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो आर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ यानी कि अपने पर्यावरण से जुड़ा हुआ तो आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास टेंथ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन इन माध्यमों से आप हमसे जुड़े हैं अपनी सभी क्वेरीज के साथ अभी सभी प्रश्नों के साथ और जब तक आते हैं आपके प्रश्न हम अपने विशेषज्ञ के, के पास चलते हैं मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आज के जो हमारे टॉपिक है आर एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है तो, ना है तो आज के इस सत्र में आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैम जो कि टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए क्या कुछ स्पेशल लेकर आए हैं मैम मैम आज का जो टॉपिक है हमारा आर एनवायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण इसमें आज हम समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है जिसे हम पारितंत्र भी कहते हैं उसके क्या क्या घटक या क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उसके बाद फूड चेन एंड फूड वेब खाद्य श्रृंखला क्या है और उसके क्या क्या ट्रॉफिक लेवल्स हैं कौन कौन से उसके घटक हैं हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स ये सब हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे जी तो ये तो बात हुई कॉम्पो हमारे आज के कॉन्टेक्ट की कि आज क्या क्या हम पढ़ने वाले है, तो हैं तो मैम चलिए शुरू करें ये सेशन बिल्कुल मैम श्योर मैम सबसे पहले हमें समझना है कि एनवायरमेंट टर्म क्या है एनवायरमेंट टर्म है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं अब एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं okay. सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि इकोसिस्टम है क्या एन इकोसिस्टम इज अ जोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ लाइफ यानी कि एक ऐसा एरिया एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सभी प्लांट्स एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते और उसके साथ साथ अदर कंडीशंस यानी कि वेदर तापमान कैसा है वहाँ का लैंडस्केप यानी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है ये सब आपस में मिलकर एक लाइफ बनाते हैं जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, ऑल द इको सिस्टम दे ऑल कंटेन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट मीन्स बायोटिक मीन्स जिनमें लाइफ है लिविंग चीजें हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है तो मैम ये तो बात हुई इको सिस्टम की और आपने बताया कि कई सारे कॉम्पोनेट्स मिलकर इको सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ एक ही इको सिस्टम है या कई सारे इको सिस्टम हो सकते हैं मैम नहीं मैम बहुत सारे इको सिस्टम हो सकते हैं अगर हम इको सिस्टम को डिवाइड करें तो दो तरह के हैं मेनली नेचुरल एंड मैन मेड okay. अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल इको सिस्टम जिसको नेचर ने बनाया है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता ज्यादा ठीक है उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं फॉरेस्ट रिवर्स पॉन्ड्स एक्सेट्रा ठीक है और आर्टिफिशियल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक्वेरियम से हम लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं जिसमें हम फिशेस पालते हैं तो वो हमारा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है अब इकोसिस्टम okay. में है क्या इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे इको को कंपोनेंट्स कहलाते हैं कंपोनेंट्स क्या है कि जिन चीजों से वो इकोसिस्टम मिलकर बना है एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कम्प्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स कम्प्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर रेनफॉल विंड सॉयल एंड मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स लाइक जैसमीन एंड रोज एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स अगर हम किसी आ, गार्डन में जाते हैं कहीं किसी बगीचे में घूमने गए किसी जंगल में घूमने गए तो क्या सिर्फ हमें सिर्फ प्लांट्स ही दिखाई देते हैं मैम बहुत 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 सारी बहुत सारी चीजें चीजें सारे एनिमल्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के टाइप्स होते हैं हुँ. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें की हमारे बर्ड्स आ रहे हैं एनिमल्स आ रहे हैं प्लांट्स आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं ये हमारे इको के बायोटिक कॉम्पोनेंट हो गए लेकिन क्या सिर्फ बायोटिक कॉम्पोनेंट से हमारा आसपास पर्यावरण चल पाएगा शायद नहीं हमें अपने आसपास सॉयल भी चाहिए क्योंकि प्लांट्स तो उसी में ग्रो करते हैं हम ब्रीद करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीद करते हैं सांस लेते हैं तो उसके लिए उन्हें हवा चाहिए ठीक उसके अलावा टेम्परेचर होता है मिनरल्स हैं रॉक्स है, है माउंटेन्स हैं ये सभी हमारे अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स में काउंट होते हैं तो मैम ये तो बात हुई आ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की राइट अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या हम उन्हें फर्दर डिवाइड या कैटेगराइज कर सकते हैं बिल्कुल मैम जो हमारे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मेनली थ्री पार्ट्स में दीज okay. आर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डी कम्पोजिस डी कम्पोजर्स नाउ वट आर प्रोड्यूसर्स जितने भी प्लांट्स हैं हमारी प्लानट अर्थ पे ऑल आर नोन एज प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स अपना फूड खुद बना रहे हैं hmm. अब जितने भी प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए फर्दर डेवलप करने के लिए ग्रोथ के लिए क्या चाहिए वॉटर मिनरल्स hmm. और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं सनलाइट yes. और पानी से. पानी से ठीक okay. है तो ये सारे क्या हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स hmm. तो यहीं से हमें रिलेशन समझ में आता है कि प्लांट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको अपनी ग्रोथ करने के लिए कंपोनेंट्स की जरूरत है सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स राइट तो जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं ऑटोट्रॉप ऑटो मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं खुद बनाते हैं नेक्स्ट आर कंज्यूमर्स कंज्यूम क्या होता है कंज्यूमर्स क्या कौन होते हैं जो कंज्यूम करते हैं लाइक like, जितने भी स्मॉल एनिमल्स हैं और बड़े एनिमल्स हैं जो या तो प्लांट्स को खाते हैं या अपने से छोटे जीव को खाते हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं और इनको भी हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्राइमरी यानी जो सबसे पहले प्लांट्स को खा रहे हैं okay. उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे और या फिर हम उन्हें हर्बी वोर्स भी कह सकते हैं हर्बी hmm. वोर्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो छोटे जीवों को खा रहे हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जो अपने से नीचे वाले लेवल पे अदर एनिमल्स को खाते हैं ओके okay. नेक्स्ट आते हैं मैम हम hmm. अब डी भी हमारे इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है खाना प्रोड्यूस हो गया उस खाने को या तो अदर एनिमल ने खा लिया या उस छोटे एनिमल को बड़े एनिमल ने खा लिया लेकिन क्या होगा जब कोई प्लांट मर जाएगा जब कोई एनिमल मर जाएगा तो वो डिकम्पोज डीकम्पोज यानी उसका अपघटन होना छोटे छोटे

उनको अपघटित कर देते हैं उनको डीकम्पोज कर देते हैं और वो दोबारा से सॉइल में मिल जाते हैं अब जितने भी हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ लाइफ कभी ना कभी रही थी तो उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, वो वापस से जब मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं तो दोबारा एक साइकिल चलता है okay. जिसको कि प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं और वो एक दोबारा से हमारी साइकिल में आ जाता है जी ये बच्चों हमारे कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था लाइट सनलाइट हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है नेक्स्ट इज एयर हवा वाटर पानी सॉइल यानी मिट्टी एंड मिनरल्स जितने की हमारे प्लांट्स को चाहिए या इंसानों को चाहिए हुँ. ये सब बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स मिलकर एक हमारा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं अब हमेशा जरूरी नहीं है कि इको एक ही टाइप का होगा इको अलग अलग हो सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं इकोसिस्टम जो जमीन पर होते हैं कुछ पानी में भी होते हैं पानी को पानी का इकोसिस्टम अलग हो सकता है अपना। right. पौंड का अलग है रिवर का अलग है और गार्डन का या ग्रास लैंड का अलग, अलग हो सकता है हुँ। हुँ। अब नेक्स्ट इसमें आता है फूड चेन आपको नाम से ही पता लग गया होगा फूड यानी खाना चेन होती है एक श्रृंखला hmm. एक सिक्वेंस द फूड चेन इज अ लीनियर सिक्वेंस ऑफ ऑर्गेजी ऑर्गेनिज्म क्या है कि खाना जो है सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ पे प्लांट्स ही अपना बना सकते हैं प्लांट्स के अलावा okay. और कोई भी अपना खाना नहीं बना सकता अब उस प्लांट को किसने खाया किसी ग्रास होपर ने खा लिया होगा या कोई जो हर्बीवोर वोर है जो पौधे खाता है उस स्मॉल इंसेक्ट ने खा लिया उस स्मॉल इंसेक्ट के बाद उसको फ्रॉग खा लेगा उस फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को एक आ, बाज ने या ईगल हाँ। ने खा लिया अब ये जो सिक्वेंस है इसको हम कहते हैं फूड चेन यानी कि एक चेन बनी हुई है एक सीक्वेंस बना हुआ है जिसमें कि एक छोटा जीव जो है बड़े जीव द्वारा खाया जाता, जाता है यह प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता दिस वेन वन ऑर्गेनिज्म इट बिगिन विद द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है हमेशा कोई भी फूड चेन है वो कहां से स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर यानी कि हमारे प्लांट्स

प्रोड्यूसर्स यानी कि हमारे प्लांट्स भी होंगे अगर हम फर्स्ट वाली फूड चेन को देखें तो उसमें सबसे पहले प्लांट्स हैं उस प्लांट को एक डियर खाता है जंगल है जंगल में पेड़ पौधे होते हैं और जो हमारा डियर हिरण है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही खाता है शाकाहारी जीव है अब उस पेड़ को किसने खाया हिरण ने ठीक और उस हिरण को कौन खा रहा है एक शेर खा रहा है तो ये एक हमारी चेन है जिसको हमने फूड चेन का नाम दे दिया दूसरा हम देखें बी वाला तो एक छोटे पेड़ पौधे हैं जिसको ग्रास हॉपर ने खाया ग्रास हॉपर को कौन खाएगा एक मेंढक खाएगा फ्रॉक खा लेगा फ्रॉक को स्नेक एंड देन स्नेक को ईगल तो ये हमारी एक फूड चेन है ऐसे ही अगर हम पॉन्ड्स या रिवर्स की बात करें अपने एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो हमारे पॉन्ड्स रिवर्स जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वहां पर भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है सन से वो सन की एनर्जी से ग्रो करते हैं उसके बाद वहां पर भी क्रैब छोटी मछली और उसके बाद उसे बड़ी मछली एंड देन हंस या सारस उसको खाते हैं।, हैं तो ये आपका एक फूड चेन है एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि एक फिक्स सिक्वेंस है ये रिवर्स नहीं हो सकता अब हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन ट्रॉफिक लेवल का मतलब है कि किस प्रोड्यूसर की किस कंज्यूमर की क्या पोजीशन है फूड चेन में हुँ. अगर हम इस डायग्राम को देखें इस फ्लो चार्ट को देखें तो ये ट्राइंगल शेप का है सबसे नीचे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि हमारे ऑटो या हम कह सकते हैं हमारे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स हमने समझा है जो हमारे हर्बीवोर्स वोर्स होते हैं यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ पौधों को प्लांट्स को खाते हैं नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड लास्ट टर्शरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल जितनी भी फूड चेन है वो सभी एक ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करती हैं द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे सबसे फर्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं सन से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं हमारे लिए फूड अवेलेबल कराते हैं हम्म द हर्बी वोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड सेकेंड लेवल पे आ गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम हर्बी फोर्स जो मांस खाते हैं स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर एट थर्ड एंड लार्जर कार्निवोर्स और द टर्शरी कंज्यूमर्स फॉर्म द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल ये हमारे लेवल हो गए हमारे स्टेप हो गए जैसे सी होती है तो सी में पहला कदम दूसरा कदम तीसरा कदम है ऐसे ही हमारी फूड चेन में अलग अलग हमारे मैम यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे हम अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं अगर एनर्जी की हम बात करें हाँ जी तो क्या हमारी जो एनर्जी है फ्लो है एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है या फिर ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है मारे? नहीं मैम जो हमारी एनर्जी का फ्लो हो रहा है हुँ. वो किसी भी फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल है यानी okay. अगर आपको प्रोड्यूसर्स हैं प्रोड्यूसर्स को अगर कोई हर वोर खा रहा है हुँ. तो एनर्जी जो है वो वापस नहीं आएगी एक ही डायरेक्शन में okay. जाएगी हुँ. ठीक है यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शनल okay. है हाँ जी अब यही हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ट्रॉफिक लेवल्स अब ये एनर्जी आ कहां से रही है द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द प्लांट्स इज सन सन इज द ओनली एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी द ग्रीन प्लाट्स इन अ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट वन परसेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देअर लीव्स एंड कन्वर्टेड इन टू फूड एनर्जी हमें सबको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं दे आर आ, उनको हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो फूड को बनाने में हेल्प करता है सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स ये सब हमारे फूड बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सनलाइट का ओनली वन परसेंट ऑफ एनर्जी ही कैप्चर करते हैं वेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ड एज हीट टू द एनवायरमेंट अब जो हमारे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को किसने खाया किसी भी हरवी ने सपोज hmm. हम कहते हैं कि एक हिरण ने खाया अब जो हिरण है जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ टेन परसेंट ही जाएगा प्लांट टू डियर ये हमारा रूल कहलाता है टेन परसेंट रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाकी जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारी एनर्जी जो लॉस्ट हो जाती है वो एनवायरमेंट में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इन टू द डाइजेशन एंड वर्क एंड रिप्रोडक्शन जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए तो इन सब कामों में प्लांट्स की एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है सपोज आपको आ, सन से हंड्रेड हंड्रेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली लेकिन जो नेक्स्ट लेवल है यानी जब प्लांट को कोई डियर खाएगा hmm. तो सिर्फ टेन परसेंट ऑफ दैट एनर्जी इज ट्रांसफर ओनली टेन परसेंट ऐसे ही जब डियर को लायन खाएगा hmm. तो ओनली टेन परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम डियर टू लायन राइट इसको हम कहते हैं टेन परसेंट रूल एन एवरेज ऑफ टेन परसेंट ऑफ द फूड टन इज टर्न इन टू इट्स ऑन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर प्रीवियस वाले का टेन परसेंट ही अवेलेबल होता है सिंस लिटल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली थ्री और फोर स्टेप्स अब क्योंकि एनर्जी लॉस जो है इस प्रोसेस में वो इतना ज्यादा है 90% परसेंट एनर्जी तो हमारी यूज ही नहीं हो पा रही हमें पिछले लेवल से मिल ही नहीं रही तो इसलिए जो फूड चेन्स होती हैं वो जनरली कंसिस्ट होती हैं मैक्सिमम थ्री और फोर स्टेप्स की और जितनी भी एनर्जी है वो सब लास्ट में डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके वापस से प्लांट्स को दे देते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं एक क्वेश्चन भी आता है Uh, जैसे सपोज uh, एक फूड uh, चेन है फूड चेन में टोटल फर्स्ट लेवल पे सपोज प्लांट्स को थर्टी थाउजेंड जूल एनर्जी मिली हुँ. ये हमारे प्लांट्स हैं अब हमने कहा कि नेक्स्ट लेवल पे उसको डियर खा रहा है हुँ. और हमने ये भी समझा कि हमारा टेन परसेंट ही उस तक ट्रांसफर होगा तो थर्टी थाउजेंड का टेन परसेंट डियर को मिलेगा दीन्स इसको मिलेगा ओनली थ्री थाउजेंड जूल नेक्स्ट डियर को हम खाया लायन ने अब लायन को भी इस 3, जूल का टेन परसेंट मिलेगा यानी कि इसके पास जो एनर्जी आई वो आई सिर्फ थ्री हंड्रेड जूल तो हर हर लेवल पर एनर्जी का क्या हो रहा है लॉस हो रहा हुँ. है और ये लॉस जो है वो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, डाइजेशन के लिए ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए ये हमारा लॉस हो जाता है नेक्स्ट हम आते हैं फूड वेब अब हमने समझा फूड चेन hmm. जितनी भी फूड चेन है जो ग्रास है क्या ग्रास को सिर्फ एक ही एनिमल खाता है ऐसा तो नहीं हो सकता ग्रास hmm. को मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं लाइक रैबिट भी खा सकता है माउस भी खा सकता है ग्रास भी खा सकता है तो इंटरकनेक्शन इन सभी फूड चेन्स का इंटरलिंक जो है वो हम कहते हैं कि वो एक फूड वेब है एक पूरा जाल बन गया ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय टू और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स इनको हम कहते हैं फूड वेब दिस रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन कॉल्ड एज अ फूड वेब यानी जितनी भी हमारी फूड चेन्स हैं डिफरेंट फूड चेन्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम में मिलकर क्या बनाती हैं एक फूड वेब बनाती हैं नेक्स्ट hmm. हम देखेंगे अब आप सबको पता है कि जितना भी हम प्लांट्स उगाते हैं क्योंकि फार्मर्स को किसानों को अपनी फसल अच्छी करनी है तो वो क्या करते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स डालते हैं कुछ अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स डालते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो अब उस ग्रोथ के साथ क्या होता है कि वो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो फूड चेन के साइकिल में अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाते हैं इन फूड चेन अनोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आर बॉडीज थ्रू द फूड चेन सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट आर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट हम अपनी क्रॉप को बचाने के लिए क्या करते हैं बीमारियों से बचाने के लिए कीड़ों से बचाने के लिए हम उस उसपे पेस्टिसाइड्स और कुछ केमिकल को डालते हैं दीज केमिकल्स आर इधर वॉश डाउन इन टू द सॉइल और इन टू द वॉटर बॉडीज जब बारिश होती है या हम सिंचाई करते हैं तो क्या होता है जितने भी ये पेस्टिसाइड्स हैं कुछ अमाउंट इसका पानी के साथ बहकर या तो वापस हमारी मिट्टी में आ जाता है हुँ. या फिर नदी नहरों उसमें चला, चला जाता, जाता है, है तो ये जो अमाउंट है ये क्या कर रहा है ये वापस से फूड चेन में आ रहा है फ्रॉम द सॉयल दीज आर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स एंड दस लेटर ईटन बाय कंज्यूमर्स होता क्या है जब प्लांट को किसी भी डियर ने खाया हुँ. तो उसके अंदर पेस्टिसाइड का स्प्रे था हुँ. उसके ऊपर केमिकल्स थे तो उन केमिकल्स से क्या होगा जो डियर खाएगा डियर के अंदर वो कहां चला जाएगा हुँ. उसी के अंदर आ जाएगा हुँ. और डियर के बाद डियर के बाद उसको लायन खा लेगा तो कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड्स जो हार्मफुल केमिकल्स हैं ये हमारी फूड चेन में एंटर कर देते हैं एंड दिस इज द वन वे इन विच दे एंटर द फूड चेन हो सकता है आपके जो केमिकल्स हैं जो पेस्टिसाइड्स हैं वो जब नदियों में चले गए हमारी रिवर्स में चले गए रिवर्स में फिशेस ने आ, उनको हुँ. ले लिया जब फिश को हम खाएंगे तो वो फिर केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो जितने भी ये हैं एज ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन जितनी भी फूड चेन है उनमें जो ह्यूमंस हैं इंसान हैं वो टॉप लेवल पे हैं वो टॉप हमारे कंज्यूमर्स हैं एंड दे एंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आर बॉडीज इसलिए ह्यूमंस की बॉडीज में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ओके तो ये तो बात हुई फूड चेन की और फूड चेन के साथ आपको पता चला फूड वेब के बारे में भी तो ये मैम हम देखते हैं कि जैसे आप आपने कहा कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे बच्चे भी सोच रहे होंगे कि फूड चेन भी हमने देखी फूड वेब भी देखा तो ह्यूमंस का जिक्र क्यों नहीं आया तो ह्यूमन सबसे टॉप ह्यूमन्स हमारे सबसे टॉप पे हैं जो सबसे क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो हरबी वोर्ड्स भी मतलब वेजिटेरियन भी हैं हाँ, और नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम एनिमल्स भी खाते हैं तो हम जो है किसी भी फूड चेन में ह्यूमन्स जो होते हैं वो सबसे टॉप पे हैं, तो जितने भी केमिकल्स और जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो ह्यूमंस के अंदर ही होती है और इसमें हम शायद कुछ कर भी नहीं सकते राइट right. तो मैम जी तो आ, अभी क्योंकि हमारे पास मैम तकरीबन दो मिनट का समय और शेष है क्या कुछ और चीज है जो आप हमारे सभी लर्नर्स के साथ ऐड करना हाँ चाहते बिल्कुल हाँ? मैम इसमें क्या है अब हमने एनवायरमेंट की बात करी है एनवायरमेंट की बात करेंगे तो उसमें एक जो आजकल मेन कंसर्न है वो है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन ओजोन लेयर है क्या हमारी जो अर्थ है अर्थ के ऊपर एक लेयर है जो हमें सन की जो हार्मफुल रेज है यूवी रेज अल्ट्रा वायल्ट रेज उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है उनसे हमें बचाती है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी हमारी एडवांसमेंट हो रही है जितनी भी हम तरक्की कर रहे हैं कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोबंस hmm. ये सब क्या है हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं डिप्लीट मीन्स उसको ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है अब थिनिंग होने से क्या होगा तो मैम वो जो सन रेज है जो हार्मुल हार्मफुल रेज है वो, हमारे, है, पास वो हमारे अर्थ पर आएंगी हमारी अर्थ पर आकर जो हमारा इको है जो हमारे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेंगे और इसमें मेन जो होता है ह्यूमंस को स्किन कैंसर क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है सनलाइट को लेकर हमारा फेस हो गए हमारे हैंड्स हो गए ये सब बहुत ज्यादा एक्सपोज होती है और जब डायरेक्ट हम सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो अगर ये ओजोन लेयर धीरे धीरे कम हो जाएगी तो चांसेस हैं कि जो बीमारियां हैं स्किन कैंसर जैसी उनके बढ़ने का ज़्यादा खतरा रहेगा इसके अलावा एक और मेजर कंसर्न है हमारा Uh, जो वेस्ट डिस्पोजल होता है जो हमारा कूड़ा है कूड़ा कचरा है उसको हम ठीक से डिस्पोज uh, ऑफ नहीं करते ठीक से हम उसको जैसे आजकल वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट अलग अलग डस्टबिन बन गए हैं है। बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे हाँ बिल्कुल वेट uh, वेस्ट जो हमारा सब्जियों का फलों का गीला कचरा है वो जो है बहुत इजीली हमारे डीकम्पोजर्स जो होते हैं उनको वापस से एनवायरमेंट में अपघटित कर देते हैं लेकिन जो पॉलिथीन है और बाकी अदर ऐसे सब्सटेंस हैं प्लास्टिक जैसे कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाते वो सालों साल हमारी अर्थ पर रह जाते हैं तो ये जो मेन कंसर्न है वो यही है कि हम अपने इकोसिस्टम को अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखें अच्छा रखें इसके साथ हम खिलवाड़ ना करें किसी भी तरीके का क्योंकि नेचर ने हमें बहुत ही सुंदर एक पर्यावरण दिया है जिसको हम अच्छे से बनाकर रख सकते हैं अपने एक्टिविटीज़ द्वारा जी तो हमारे पास हमारा पर्यावरण है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बचा कर सहेज कर रखें क्योंकि सारी चीजें हम ही अगर हम यूटिलाइज कर लेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके पास चीज़ें और संसाधनों की कमी हो जाएगी समय की कमी है हमारे पास हम इस सत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते लेकिन जाने से पहले गरिमा मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते Thank हैं सो मच मैम थैंक यू सो वेरी मच कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारे सभी लर्नर्स तक पहुँचा थैंक यू सो वेरी मच और अपने सभी देखने वालों को हम ये कहेंगे कि एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं NCRT की एनसीआरपुस्तकों से संबंधित शैक्षणिक सत्र वर्ष दो हज़ार के लिए एनसीआर की देश भर में उपलब्ध हैं आप ये पाठ्यपुस्तकें एनसीआर के बिक्री केंद्रों से जाकर के ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली अहमदाबाद बंगलुरु कोलकाता और गुवाहाटी को में स्थित हैं आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पर जो है एनसीई आर टी बुक्स डॉट एनसीआर जी ओ वी डॉट आई एन ये सभी पाठ्य पुस्तकें आपको आपके घर पर निशुल्क डिलीवर की जाएंगी अगर आप इसका पी वर्ज़न चाहते हैं तो एन दीक्षा ई पाठशाला और हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं इसके अलावा हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम, हमारी वेबसाइट एन एन पर विजिट ज़रूर करें ताकि आपको सभी ऑथोराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाज़त आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स पर नमस्कार